कांग्रेस दल जोटा आम आगुरी आज मध्य मुझे स्पष्ट भाव कहीदेक चाहे जो मिनरल्स अच्छी ओडिशा रे जो माने लीज नहीं जाऊंट जो माने से ताकु बेस करके जो कल कारखाना करके रखिपारे से माइनिंग लीज दि जाऊ तार गोटे लिमिट करा जाऊ ना आगामी दिन आम जो भविष्य ओडिशार जो युवक वर्ग रे ओडिशावासी जो छोट छोट छुआ जो मैंने वर्तमान पाठ पढ़ुंट कोड़े तीस वर्ष सरीगला से यंग जनरेशन बाहर से ओडिशा खणी जदि कि नाले कड़े जी खनिज पदार्थ जदि नाकर अवस्था कौन हम तेणुक ओडिशार भविष्य को आखि दृष्टि रखी छात्र एवं युवक मान आगामी पीढ़ी ओडिशार केमती ठीक भाव रहीपर से हिसाब से खणी लिस्टा को चिंता करके दबा कथा इमाने मनमानिक जोटा करा बंद हवा दरकार यहाँ आम स्टैंड आगुरी रही आज रही जदि सबू खोलीदेबू एवं रेवेन्यू जोटा पाँच बर्तमान खणी से केवल मानने ओडिशा सरकार से चल चेष्टा कर जो अन्य सोर्स रेवेन्यू आसवा कथा जी ओडिशा को से आसी पारे और जो प्रकार आसूच जो प्रकार भाव मैंने खर्च करुँच केवल भोट बैंक बेस खर्चा हो डेवलपमेंट कहीं ओडिशा तेणुक से जो माइनिंग पैसा जोटा आसूसी से माइनिंग पैसा जाक जो बिल बजेट्रेटा जो यूज कर जनसाधारण जो डेवलपमेंट हवा कथा से नक आज ओडिशा गरीब रू गरीब ही जाऊँ 1990 मसीहा पर 95 गोटे रिपोर्ट आसी सर्वे रिपोर्ट जे बिजू बाबू द्वितीय थर ये मुख्यमंत्री हे बोली सर फेल मारा जेबी पट्टनायक मुख्यमंत्री हेल्ले कांग्रेस सरकार गठन है कर्णाटक आसी गोटे सर्भे जे से बीजेपी सरकार गठन करटा भी फेल मारा और कांग्रेस सरकार गठन है कर्णाटक हिमाचल आसी बीजेपी सरकार गठन रिपीट करी पुणी एवं से देखा मिलला जो सी कांग्रेस सरकार गठन है तो ये सर्भे मूल्य कौन अच्छी जे जहाँ कहीदे तो से सर्भे उपर आम विश्वास ना तांकर मनगढ़ा कहानी से करेंगे से करूँ आम कि कहार ना कि आसवर ना ये बीजेडी इज गोइंग टू लूज ये जोटा अच्छे से जो भावुंट कोड़े एक जमी नहीं भावुंटा के पारना ओडिशा को जो प्रकार भाव में रखिंट बीजेडी बीजेपी सरकार दुईज मिसिक 9 वर्ष और आज पर्यंत मुख्यमंत्री 2024 पर्यंत ये 24 वर्ष सरकार जो हिसाब से ओडिशावासी को रखिंट ठकी मिथ्या प्रतिश्रुति बड़ बड़ स्वप्न देखते योजना उपर योजना घोषणा करुँचे जो योजना कि इलेक्शन सरीगला सब ठप हो जाए तेणुक सब क्षेत्र में विफल होता सरकार को ओडिशावासी के बर्दाश्त करेंगे ना 2024 निर्वाचन में बीजेपी ओडिशा जमी वेस्ट बेंगल है से प्रकार अवस्था हम ए आगामी दिन में ओडिशावासी आशीर्वाद कांग्रेस दल प्रति रही बीजेपी आसिक 120 एमएलए सीट ने कौन है आकलन करवाटा ठीक जिनस ना कि आम जो बुलू जो ओडिशा बुल कर आसला मोर जो कैलकुलेशन रही जदि आम 22 वर्ष नथिलु कांग्रेस सरकार 23 वर्ष हो गला क्षमतार आम ना किंतु यमान जो लोक मैंने रही जाइए जो मैंने चली जाइए अन्न दल को से बर्तमान जो फेरबार आरंभ करेस गोटे बर्तमान कांग्रेस मुहापी जनसाधारण जो विचार करतमान वी आर इन ग्रोईंग स्टेज तो तेणुक बर्तमान बीजेडी बीजेपी जो जनसाधारण ओडिशावासी मन मुहटा मुड़ सारे से अनुसार जितेबाला मुझे जाऊँ देखुची जो पटे गल जो हजार हजार लोक जो समर्थन करमर मिनिमम किसी ना 10 रु 12 एमपी सीट निश्चित भाव में जितबू ओडिशा निर्वाचन पर किए मेट्रो करमी बुलेट ट्रेन चलला शुभ दे बुलेट ट्रेन कही भाजपा कही बुलेट ट्रेन चलती कहे मेट्रो चल यहाँ मुझे ग्यारंटी देपर कांग्रेस सरकार आसा निश्चित भाव में 5 वर्ष भितर मेट्रो ओडिशा रे 35% जलसेचन करेंगे 314 ब्लॉक को करें ना 24 वर्ष 150 ब्लॉक तो आम कांग्रेस सरकार जानकी बाबू थी समय जलसेचन हो सारी आउ 150 ब्लॉक करवा कथा करें ना शिल्प कारखाना जहाँ कांग्रेस समय होता हजार दिन हजार कोटी टंकार जो जानकी बाबू राहुल था सबको तो बंद कर दे सारे या किए विश्वास करेंगे बोली केवल निर्वाचन हाब आउ कि नथिंग जमी कहते आम विधान परिषद हम 2014 रु कही आस पर्यंत कड़े गला विधान परिषद जस्ट थैथान करने नेता मान को हेले तो आम खुशी हबू किपारे कि निर्वाचन आसीगले बास गोटे स्लोगान हो गला निर्वाचन सरीगले मेट्रो जोटी सेठी रहा विधान परिषद जोटी सेठी रहा
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଠି ରହିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କର 2930 ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସେଠି ରହିଲା। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମେ କାହିଁ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍କୁ ଯିବୁ? ସେ ଯେତେ ଘନ ଘନ ବୁଲିବେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ଯୁଆଡ଼େ ବୋଲି ଲୋକେ ପଚାରୁଛନ୍ତି 2200 ଟମାଟୋ କିଲୋ, ଜବାବ ଦିଅ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ? ଇଆଡ଼େ 5G ଗଲା ଲୋକ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଶୋଇଥିଲ, ଏ ବାବୁ ସରକାର ଚଳିବନି ଓଡ଼ିଶାରେ। ବାବୁମାନଙ୍କ ସରକାର ବନ୍ଦ ହେବ, ଡେମୋକ୍ରାସି ରହିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ରହିବ। 18 ଅଗଷ୍ଟ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, PC କାରବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ଦର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଲି ଅଛି ପୋଷ୍ଟ 2,24,000 ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁଟା 18 ଅଗଷ୍ଟ ଘେରାଉ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ 18 ତାରିଖ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ ହେବ ଚାରିପଟେ 314 ବ୍ଲକରେ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ, ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।